स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिंसफर्ड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक विज्ञान में अब तक कितने तत्वों की खोज हुई है? तो इसका आंसर है 108। अभी तक 108 तत्वों की खोज हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल जल्दी क्यों उबलने लगता है? तो दाब कम होने के कारण पहाड़ों पर जल जल्दी उबलने लगता है। चौथा क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर दाब बढ़ाएंगे तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पाँचवा क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। छठा क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। सातवां क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो यानी कि अगर परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 15 होगी। तो इसका आंसर है 15। आठवां क्वेश्चन है, अम्लों का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। नवां क्वेश्चन है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। दसवां क्वेश्चन है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर है, आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। ग्यारहवा क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर आपको देना है। बारहवा क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर भी आपको देना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको बताऊँगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।